दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक लैंडस्केप वीडियो को पोर्ट्रेट साइज में कैसे करें। कई भाई लोग ऐसे होते हैं जो लैंडस्केप में अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं, लेकिन अब उन्हें इंस्टाग्राम पर रील्स या स्टोरी लगानी होती है, तो उसके लिए वो वीडियो का साइज बढ़ाते हैं तो वीडियो में से सब्जेक्ट गायब हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि बिना सब्जेक्ट गायब किए हुए आप अपनी वीडियो पोर्ट्रेट साइज में कैसे करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं प्रीमियर प्रो के अंदर, तो आप देख लेते हैं कि ये लैंडस्केप वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में कैसे करें। तो सबसे पहले इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। इसके दो तरीके होते हैं पोर्ट्रेट मोड करने के लिए। तो सबसे पहला तरीका ये है कि ये सीक्वेंस जो बन गया इस पर राइट क्लिक करते हैं, आउटर रीफ्रेम का आइकन आएगा यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ कई साइज होंगे, हमें वर्टिकल 9:16 रखना है, इसे क्रिएट कर देते हैं। यह ऑटोमेटिक ही सब्जेक्ट को स्क्रीन पर ला देगा। ये देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से ये पोर्ट्रेट मोड में हो चुका है। अब दूसरा तरीका जान लेते हैं, कंट्रोल जेड करके कंट्रोल एन करते हैं। पहले ये हमारा सेटिंग आ जाती है सीक्वेंस की, हम सीक्वेंस की सेटिंग रख लेते हैं। इंस्टाग्राम की सबसे बेस्ट सेटिंग जो होती है वो होती है 640:1136। अब यहाँ पे ये वीडियो हम लाते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, तो यहाँ पे परमिशन मांगता है तो हम ओके कर देते हैं। अब देखिए एक काली जगह बची है, तो इसे पोर्ट्रेट मोड करने में दूसरा तरीका ही हमने बता रहे हैं। ये ऑटो रीफ्रेम सर्च करते हैं, ऑटो रीफ्रेम ये आ चुका है, ये आ चुका है। इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, ये ऑटोमेटिक ही अपने सीक्वेंस के हिसाब से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में ला देगा। तो आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से एक लैंडस्केप वीडियो को पोर्ट्रेट मोड में कर सकते हैं। इसे आप इंस्टाग्राम रील्स स्टेटस कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।